इसकी जो प्राइस है वो 20,000 रुपए कम, 1 रुपये नहीं, 20,000 रुपए कम। Honor 8 for the review. It's a low mid-range category smartphone और इसकी जो price है वो 1 रुपये कम 20,000 रुपये है, 1 रुपये कम 20,000 रुपये है, 19,999 रुपये। Thank you for that। अब यार ये स्मार्टफोन जो है वो इतना कोई एक्साइटिंग स्मार्टफोन नहीं है क्योंकि इसको जनवरी में लॉन्च किया गया था, लेकिन Honor जो पाकिस्तान है वो इसको अब लॉन्च कर रहा है जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है 20,000 से 30,000 की रेंज के अंदर, तो इसकी कोई जगह बनती नहीं है। लेकिन स्टिल हम इसको देखेंगे कि यार ये अगली टकलिंग भी हो सकता है, शायद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो इसका जो मेन दो मकसद है मैं पूरा दिन अपने साथ रखूंगा और देखूंगा गेमिंग परफॉर्मेंस और इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस। लेट्स अनबॉक्स दिस डिवाइस। लेकिन इससे पहले जरा डब्बे पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको सीलिंग मिल जाती है पीटीए की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं कि रोम 32 GB और 2 GB रैम है, कलर ब्लू है, ड्यूल सिम है। तो ये स्पेसिफिकेशंस भी कोई इतनी उसकी वो नहीं है कि जिसको ढोल ढल्ले से बता सकें, ढोल ढल्ला पता नहीं क्या जो भी होता है। तो ये है हमारे पास डिवाइस Honor 8A। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये वारंटी कार्ड है हमारे पास कस्टमर केयर का, तो ये भी हमने कर दिया साइड पे। हमारे पास आ जाता है सिम इजेक्टर टूल और इसके साथ हमें मिलता है कम्प्लीमेंट्री कवर, और चाइनीज़ में गाइडलाइन है जो कि पहले हम नहीं पढ़ते, तो चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे। चाइनीज़ वैसे लैंग्वेज कोई नहीं होती है, मंडेरियन होती है या मंडेरियन होती है, जिस तरह मर्जी आप प्रनाउंस करें इसको, तो चाइनीज़ कुछ भी नहीं होता। साथ में हमें मिल जाता है USB-C केबल और एक मिल जाती है हमें पावर ब्रिक जो कि है, कुछ लिखा नहीं हुआ लेकिन मेरे ख्याल से ये फास्ट चार्जिंग नहीं है तो स्लो चार्जर ये। और हमें मिल जाता है हेडफोन जैक जो कि बहुत सारे जो लो मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन है उसके अंदर नहीं है, और जो हवावे और Honor के जो हेडफोन्स हैं ना वो अच्छे होते हैं। तो ये तो हो गया मेरा बस, और केबल भी वैसे अच्छी होती है इनकी। बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी है वो है कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन्स के अंदर भी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बड़ा स्लो दिया जाता है, तो इसमें बड़ा मुझे ना बिल्कुल विद इन सेकंड्स लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसकी स्क्रीन की बात करें तो ये 6.09 इंचेस की स्क्रीन है, IPS LCD स्क्रीन है, और ड्यू ड्रॉप नॉच डिज़ाइन के अंदर आती है जो कि पुराना डिज़ाइन है। अभी भी वैसे कोई इतनी ज़्यादा कंप्लेन डिज़ाइन से हम लोग नहीं कर सकते इस रेंज के अंदर। 720p का पैनल है और ये कंप्लीमेंट करेगा इसकी बैटरी लाइफ को, लेकिन बैटरी की अगर देखा जाए तो हमें मिलती है 3020 mAh की, तो एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी तब जाके कंप्लीमेंटेशन कुछ मिलती, लेकिन बैटरी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके अंदर ऑन पेज अगर देखा जाए। और साथ ही साथ अगर हम इसकी जो स्क्रीन जो है पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो हमें मिल जाती है 282 PPI की, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट अगर 350 समथिंग होती जो कि इस रेंज के स्मार्टफोन्स देते हैं तब भी बड़ा ज़बरदस्त होता, लेकिन इसमें देखा जाए तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता 720p के डिस्प्ले के साथ। इसका जो कैमरा है वो 13 MP का है f/1.8 का, और इसको हम लोग अभी टेस्ट करते हैं इसकी पिक्चर्स लेके कि किस तरह का इसकी रेजोल्यूशन है। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका 8 MP f/2.0 का है, तो थोड़ी बहुत हम लोग शॉट्स लेके देख लेते हैं कि सेल्फी कैमरा इसका कैसा है। तो ये सेल्फी कैमरा को हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं, कुछ तस्वीर मैं लेके देखता हूँ। तो साथ ही आ गया है मिरर ऑन करना है या मिरर ऑफ करना है, तो हम लोग इसको बड़ा सख्त डिसीजन है ना, मुझे तो अभी मिरर ऑन वाली अच्छी लग रही है तो मिरर ऑन कर देते हैं। तस्वीर देखते हैं, आपको भी नज़र आ रही होगी, अच्छी लाइटिंग कंडीशन है तो अच्छा ही आ रहा है जिस तरह है, और थोड़ा सा मुझे ब्लर लग रहा है लेकिन स्टिल इट्स बेयरेबल। अगर हम इसकी बैक कैमरा को टेस्ट करें, इसके बॉक्स की ही पिक्चर लेते हैं, साथ अगर हम ये भी आपको बताता चाहूँगा इसके अंदर ब्यूटी मोड है जो कि चाइनीज़ का फेवरेट जो है ऑप्शन है, साथ आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है, थोड़े प्रो वेरिएंट्स जो है इसके अंदर प्रो सेटिंग्स भी मिल जाती है, HDR ऑन करने की अवेलेबिलिटी है, पैनोरामा है, वीडियो फोटो और बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसको तस्वीर को देखते हैं, बैक की भी बैक की कदरें बेहतर है, लेकिन कुछ हमें ना जो पिक्सलेटेड थोड़ा मुझे लग रहा है पिक्सलेटेड, अगर करीब से देखें तो फट भी रही है स्क्रीन, तो नॉर्मल है, कोई इतना खासा कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कैमरा सैंपल्स आपकी स्क्रीन पे अब चलेंगे जिससे आप खूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो कैमरा रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के हैं। सेल्फी कैमरा की रिकॉर्डिंग, और देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैं हिला के भी दिखाता हूँ इसकी
स्टेबलाइजेशन, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो काफ़ी सही है, इतना बुरा नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी जो फ्रंट जो है रेयर साइड पे जो कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये इसकी कुछ क्वालिटी आपको दिख रही है रेयर साइड पे, जो रेयर साइड पे मुझे कुछ ब्लर सी इसकी फीलिंग आ रही है, शायद इसकी जो स्टिकर अभी तक लगा है या ये है ही कुछ इस तरह का। तो ये हमारे साथ मुतालिब है, अब मुतालिब कुछ कहो जल्दी से। नहीं बिल्कुल स्टिकर कोई भी नहीं लगा हुआ और यही इसकी परफॉर्मेंस है, कोई इतनी खास नहीं है। लेकिन ऑटो फोकसिंग चेक करते हैं, ये मुझे लग रहा है सारा कुछ ब्लर है, जो बैक कैमरा उसको देख लो। मैंने इसमें पबजी लाइट चला के देखी है लेकिन उसके अंदर भी मुझे लैग महसूस हो रहा था और बहुत जगह पे फ्रेम रेट ड्रॉप हो रहे थे, तो गेमिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन फॉर द कंप्लीट होल डे और मैं शायद ये फोन किसी को रिकमेंड ना कर सकूं। एक तो ये है कि यार अगर ये 12,000 या 13,000 की प्राइस रेंज के अंदर आता तब मैं कहता कि चलो यार टेक्नो स्पार्क गो के मुकाबले पे कोई स्मार्टफोन आया तब शायद ये अपनी वैल्यू फॉर द मनी को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन 20,000 के अंदर जब आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिलते हैं तो ये फ़ोन किसी के लिए नहीं बनता। एक तो ये है कि इसका कैमरा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने इस पर गेमिंग भी की और बहुत सारी जो मैंने फोटोग्राफी की तो मुझे कोई इतनी अच्छी इसके अंदर चीज़ लगी नहीं, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं वो एक इसकी परफॉर्मेंस रखती हैं और दूसरा इसकी जो पिक्चर क्वालिटी कैसी आती है। तो दोनों में इसने मुझे कोई इतना ये नहीं किया कि स्मार्टफोन वर्थ इट है इस प्राइस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे ऑप्शंस हैं इन्फिनिक्स S4 है, थोड़ी अगर आप प्राइस अपनी बढ़ा दें तो आपको रियलमी 3 मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हुए ये फ़ोन की जगह कहीं नहीं बनती और किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अगर आप स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहेंगे या अगर आप कंसीडर करते हैं तो क्यों करते हैं और स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या राय हो सकती है, तो वो आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में और स्मार्टफोन के बारे में हम बात करते हैं, आप सबका रिप्लाई करूंगा। और अब आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो काइंडली कर दें सब्सक्राइब। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, दिस इज साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।